कौशल जीसीएम द्वारा एक ग्रुप कैप्टन की सेवा से बर्खास्तगी को अपराध की गंभीरता के अनुपात में असंगत पाते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने परिवर्तित कर वेतन और पेंशन के लिए वरिष्ठता और सेवा को जब्त कर उनकी सजा को कम कर दिया है। 13 बेस रिपेयर डिपो बीआरडी पालम दिल्ली में जनरल कोर्ट मार्शल जीसीएम ने 8 सितंबर 2022 को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा के ग्रुप कैप्टन डी विश्वनाथ को धारा 41 के एक वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत दोषी पाते हुए बर्खास्त कर दिया था। ग्रुप कैप्टन विश्वनाथ को 18 मई 2021 को दो अवसरों पर जानबूझकर एयर कमांडर वाई उमेश एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी 7 बीआरडी तुगलकाबाद दिल्ली ने कार्यालय में मिलने के लिए लिखित रूप में आदेश दिया था। एओसी ने पुनः ग्रुप कैप्टन विश्वनाथ को 21 मई 2021 को अपने कार्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया। अपने दूसरे संचार में एयर कमांडर उमेश ने ग्रुप कैप्टन विश्वनाथ को महत्वपूर्ण निर्देश देना, उनसे मिलना आवश्यक था। एयर कमांडर उमेश ने जीसीएम के दौरान कहा था कि ग्रुप कैप्टन उनसे बच रहे थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और यही कारण था कि उन्होंने उन्हें एक बैठक के लिए पत्र जारी किए थे। इस बार भी उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। जनरल कोर्ट मार्शल जीसीएम द्वारा एक ग्रुप कैप्टन की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया था। ग्रुप कैप्टन विश्वनाथ ने जीसीएम के आदेश को वायुसेना प्रमुख के समक्ष एक पूर्व पुष्टि याचिका दायर की। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने बर्खास्तगी की सजा को 2 साल 11 महीने और 25 दिन की रैंक की वरिष्ठता और 5 साल और 3 महीने की सेवा वेतन और पेंशन के उद्देश्य से जब्त कर लिया है। इसके अलावा उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई है। ग्रुप कैप्टन विश्वनाथ के अधिवक्ता छपरा निवासी सार्जेंट विपिन बिहारी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दिल्ली सशस्त्र बल न्यायाधिकरण दिल्ली ने कहा कि ग्रुप कैप्टन विश्वनाथ का साफ रिकॉर्ड मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद वायुसेना ने सजा कम कर दी है।